जैसे जैसे उम्र गुजरती है ये एहसास होने लगता है कि माँ बाप हर चीज़ के बारे में सही कहा करते थे। दो चीज़ों पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। एक बार भगवान से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को इतना बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो, सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, पर किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में भीतर। हमेशा इन्हीं ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करें। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। मैं खुश हूँ इनकी वजह से, मैं उदास हूँ उनकी वजह से। मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहरा कर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। अब से ये कहिए, मैं उदास हूँ, नाराज हूँ, खुश हूँ सिर्फ अपनी सोच की वजह से। जब कोई दुख आए तो उसे स्वीकार करके देखो, छोटा मोटा दुख प्रयोग करके देखो, स्वीकार कर लो। ऐसा सोचो ही मत कि मेरे ऊपर कोई विपदा आ गई है, ऐसा सोचो ही मत कि परमात्मा मेरे साथ अन्याय कर रहा है। शिकायत लाओ ही मत, गिला शिकवा लाओ ही मत, इतना ही जानू कि मैंने कुछ दुख बोए होंगे, इसीलिए फल काट रहा हूँ। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रखकर बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में बिकेंगे, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं जूतों की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके पास तीन ही परिस्थितियों में आता है, भाव से, अभाव से या फिर प्रभाव से। यदि वो भाव में आया है तो उसे प्रेम दीजिए, अभाव में आया है तो उसकी मदद करिए, और यदि प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाइए कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। यदि पेड़ में उसकी क्षमता से अधिक फल लग जाए तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती हैं, और इंसान को औकात से ज्यादा मिल जाए तो वो भी रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा, आहिस्ता आहिस्ता पेड़ फल से वंचित हो जाता है और इंसान रिश्तों से। ध्यान से सोचना इस बात को, पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है, तीनों हैं तो जीवन कम है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ कम है। सब कुछ मिलना बहुत कठिन है, अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।